हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय आईटी चैनल SPT999। ये भी कंप्यूटर सिस्टम के सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं। ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो एक लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि असेंबली लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम असेंबलर यूज करते हैं, ऐसा ही एक ट्रांसलेटर है, कंपाइलर, जो सी या सी प्लस प्लस या कुछ अदर लैंग्वेजेस में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमारे पास एक ट्रांसलेटर है जिसे हम इंटरप्रेटर कहते हैं। इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर की अपनी खुद की एक लैंग्वेज है जिसे 01 की लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज के अलावा किसी भी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर्स या डेटा को नहीं समझता है। लेकिन कंप्यूटर में हम जब कोई डेटा इनपुट करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर रन कराते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो वो हम अपनी भाषा में इनपुट करते हैं, पर कंप्यूटर को कैसे समझ में आए तो उसके लिए हमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जो हमारी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है। इन्हीं प्रोग्राम्स को ट्रांसलेटर कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड के काम आएगा तो इसे शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।